नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर किशन चंद्रा आपके सामने एक बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान जो कि आपके मराठी में बताएंगे कि कैसे कैसे तरल बेस्ड डीकम्पोजर यूज़ कर रहे हैं और उनसे कैसे उनको लाभ हो रहा है, क्या क्या फ़ायदे हुए, किस किस तरह से उन्होंने यूज़ किया, किस किस क्रॉप पे यूज़ किया, कैसे जानवरों पे यूज़ किया, वो सारा डिटेल बताएंगे आपको मराठी में, ताकि इससे आपको आसान रहेगी और विश्वास हो कि हाँ वाकई में ये जो हम लोग करने जा रहे हैं उससे क्या फ़ायदे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको। नमस्कार, माझं नाव दत्तात्रय पोवार, राशिवडी बुद्रुक, तालुका राधानगरी। मी शेतीसाठी हे गेले 4 वर्ष वापरतो आहे। शेतीत अतिशय बदल झालेला आहे। डीकम्पोजर, दगड रसायन, गार्बेज एन्झाइम, परत फिश ऑइल डीकम्पोजरमध्ये तयार करून वापरतो आहे मी। एकदम चांगले रिझल्ट आहेत। गायींनासुद्धा वापरतो आहे, देशी गायींना। गायींना रोज 50-50 मिली घालतो आहे। गायींच्या अंगावरती तेज चांगलं आलेलं आहे, परत दुधालासुद्धा थोडेफार वाढलेलं आहे, दुधाची क्वालिटी पण चांगली आलेली आहे। कैसे तयार करते हो बताइए। काय कैसे कैसे तयार करते हैं, कैसे मायक्रोन्यूट्रिएंट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और पत्तियों का कैसे बनाए, वो सब। एक 50 लिटर डीकम्पोजर घेतलेलं, त्यामध्ये 5 ते 7 प्रकारचं कडधान्य टाकलेलं हे करून दळून, परत तेलबियांचं कुट्टी करून टाकलेलं, त्यात मायक्रोन्यूट्रिएंट चांगलं तयार झालं। कैसे यूज कर रहे हैं, कितना कितना क्वांटिटी यूज कर रहे हैं? डीकम्पोजर तयार केल्यानंतर मी त्यामध्ये 5 लिटर, 7 लिटर, 10 लिटर असं वापरतो आहे। और पानी में इरिगेशन में कितना यूज करते हैं? पाण्यामधून सोडतोय डीकम्पोजर। पानी कितना सोडतो? पानी ड्रिप मधून सोडतोय। ड्रिप में कितना करीब, मंथ में कितना? मन नाही, 2-3, 4 दिन। कितना जाता है? 1000 लिटर। हर सेकंड डे। क्या क्या बेनिफिट्स मिला उसमें? बेनिफिट ग्रोथ अच्छा है, और फुल बीमारी कुछ भी नहीं है। हाँ, बीमारी है तो दशपर्णी कितना स्प्रे करते हैं? दशपर्णी 8 दिन से 15 दिन से 10 दिन से ऐसे। कितना स्प्रे करते हैं, परसेंट कितना? 200 मिली। 200 मिली। हाँ, 15 लीटर पंप। लीटर। हाँ, तू तो रेगुलर करते, बीमारी होना आप डालते रहते? हाँ, डालते रहते ताकि बीमारी आए। हाँ, नहीं तो पेस्टिसाइड वगैरह पे खर्चा कुछ नहीं। कितना आपका पहले कितना खर्चा था, अभी कितना चेंज हुआ? खर्च कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुल का ही खर्च है। और बाकी क्या फायदा, जमीन में कैसा चेंजेज आया आपका? जमीन में गांडू बड़ा है। अच्छा, गांडू कितना है? गांडू बहुत सारा दिखता है। हाँ, बहुत दिखता है। किस तरह कलर का दिखता है? पीला का, व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का। पहले कोई कौन सा कलर था? पहले मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम था, एकदम कम था। लेकिन व्हाइट तो बाद में आता, तो शुरू से व्हाइट आया। व्हाइट आया। अभी व्हाइट दिखता है। साइज कितना होगा? साइज 6-10 इंच। तो अभी आप उसमें कुछ मैन्योर डालते हैं, जो क्रॉप वेस्ट वगैरह डालते हैं उसी में? रासायनिक नहीं, क्रॉप वेस्ट जो आपका जो क्रॉप डालते हैं, वेस्ट डालते हैं। हाँ, डालते हैं। हाँ, तो उसी वो चेंज हो जाता है। अच्छा दिन किया है मैंने। अच्छा, सॉइल में कितना आपका, कितना बारी कल्टीवेशन में कितना हल चलाते हैं, यानी प्लाउइंग कितना करते हैं, जो मतलब वो ट्रैक्टर से चलाते हैं कैसे? ट्रैक्टर नहीं, रोटर। रोटर चलाते हैं। रोटर। तो कितने पहले कितना चलाते थे, अभी कितना चला रहे हैं? अभी एकदम भुरभुरा हुआ है जमीन। पहले कितना चलता था? पहला मुझे बराबर नहीं चलता था। बराबर नहीं। हाँ। तो कितने बार चलाना पड़ता था? 1 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम? 3-4 टाइम चलाना पड़ता था। अभी 1-2 बार हुआ तो पूरा होता है। 2 बार में? हाँ, 2 बार। आधा हो गया? हाँ, आधा हो गया। अच्छा, पानी पानी पहले कितना डालते थे आप? पानी पहले 4-5 दिन ऐसा डालता था। अभी पानी कम पड़ा तो सूखता नहीं है। कितना दिन तक नहीं सूखता है? एक बार 10-15 दिन तक आजबाद सूखता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब फसल में कोई असर नहीं होता? नहीं, नहीं होता। मतलब पानी का कम हो गया। पानी खर्चा कम हो गया। और प्लॉइंग का खर्चा कम हो गया। और उसमें आपका खाद का तो अपना इम्प्रूव हो गया। कितने साल से यूज कर रहे हैं? 4 साल हो गए। 4 साल। ओके, सॉइल बदलने में कितना टाइम लगा? एक दो महीने में बदला। मतलब आप काफी डाल रहे हैं? हाँ, डाल रहे हैं। और गन्ने में कैसा क्या है? गन्ने में जाड़ी और ऊंचे बहने कच्चे हैं। अच्छा, कितना जाड़ी होता? जाड़ी ऐसा ही हुआ है। कितना किलो का एक गन्ना आया? गन्ना अभी खेत में है। अभी अभी आया। कितना हाइट कितना हो गया अभी? हाइट अभी 10 फुट हुआ है।
कितना तक जाएगा आपको लगता है? और भी बढ़ेगा, कितना तक? बहुत बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 15-18 फुट होगा। 18 फुट वैसे दिखता है वो, दिखता है। अच्छा, तो पहले कितने फिट होता था? पहले नहीं इतना बढ़। अच्छा, पहले कितना फिट आता था? पहले 8-10 फुट 12 फुट ज़्यादा हो गया, और खर्चा डबल होता था। अभी खर्च कम है और उत्पादन अच्छा है। पहले कितना खर्चा था? पहले खर्चा नहीं इतना, मुझे बहुत ज़्यादा होता है। अभी जो पहले कितना आपको मिलता था, एक एकड़ में कितना मिलता था? एक एकड़ में 40 टन हुआ था पिछले पहले। हाँ, अब जो डालने के बाद कितना हुआ? अब डालने के बाद 60 टन होता है। 60 टन होता है, मतलब हमेशा 60 टन होता है। 60 टन, तो उससे बढ़ाया नहीं अभी आपने? अभी नहीं बढ़ाया। पत्थरों का वगैरह डालते हैं कि नहीं? हाँ डालते, अभी किया है। अभी किया, अभी किया, पहले नहीं किया? पहले नहीं किया था। तो पत्थरों का डालने के बाद कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? अभी डाला है। अभी डाला? हाँ, तो 4 दिन हो गए। आपको क्या लगता है गन्ने का मोटाई कितना जा सकता है? और बढ़ेगी। और बढ़ेगा। एक गन्ना कितने तक जा सकता है इसी से अगर आप प्रोसेस करते जाएंगे? जो ये छोड़ेगा? हाँ, छोड़ेगा तो आगे अभी बढ़ेगा। तो कितना केजी तक गन्ना हो सकता है? कम 4-5 किलो होगा। 5 किलो हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन 5 किलो तो बोलते होता नहीं है। नहीं होता। हाँ, लेकिन होगा। ये होगा, पत्थरों का अर्घ से होगा। पत्थरों का अर्घ से होगा? कैसे मालूम पत्थरों का अर्घ से होगा? उसमें सब घटक है ना। अच्छा, ये आपने, आपको कौन बताया कि पत्थरों का अर्घ से होगा? तुमने ही बोला है। 5 किलो जो आप बोल रहे हैं, 5 किलो का ये आप जो फैक्ट्री में खड़े हुए हैं दत्ता जी, यहाँ के चेयरमैन, उनका कहना है कि 5 किलो होगा। बाकी लोग का नहीं मानना है, हमारा मानना है कि 5 किलो से ऊपर भी होगा। तो आपका कहना है कि 5 किलो होगा। कितने दिन में हो जाएगा 5 किलो आपका? एक बरस। एक बरस? एक बरस में 5 किलो दिखाएंगे। ठीक है, जब होगा तो आप 5 किलो का उसको वेट करेंगे, बताएंगे। ओके ओके, हम लोग उसका वीडियो बनाएंगे, देखेंगे। ठीक है, तो 5 किलो अगर हुआ तो एक एकड़ में कितना आपका, कितना टन हो गया? तो करीब आपका 200 टन हो गया। हाँ, 200 टन हो गया। 40 पेड़ निकलता है। अच्छा, दूसरा एक आप जो प्लांट करते हैं कटर को, एक लगाते तो कितना उसमें कीला, कितना? मैंने मोड़ के निकाला है। अच्छा, इतना ज़्यादा हो गया है? कितना ज़्यादा होता है? कितना गिना कभी? गिना है एक 20 एक एक है। जो एक से आप बोले 20 फुटाव होता है, तो कहीं कहीं फुटाव ज़्यादा हुआ है? हाँ, ज़्यादा हुआ है, मैंने मोड़ के लिया। अच्छा, तो पहले कितना फुटाव होता था? पहले 8-10। हाँ, अभी 20 पहुंच गया। 20-25 होता है। 20-25। हाँ, तो मतलब डबल हो गया। हाँ, डबल हो गया। तो अभी कितना गन्ना रखते हैं आप, बाकी कितना निकाल लेते हैं? 4-5 रखते हैं। 5-6। हाँ, ज़्यादा रखेंगे तो क्या नुकसान है? वो जाड़ी नहीं होगी। जाड़ी नहीं होगा, जाड़ी करने के लिए जरूरी है। हाँ, जरूरी, कम करने, कम करें। तो अगर क्योंकि 4-5 रख रहे हैं तो एक आध पेड़ में आप उसको 2 ही रख लें। हाँ, क्योंकि एक गन्ना अगर निकलेगा, अगर 10 किलो का 5 के चाहिए तो उसमें कम करना पड़ेगा। हाँ, कम करना पड़ेगा, है ना। और पत्थरों का कितना डालते हैं? अभी डी कंपोजर में डालते हैं 5-10 लीटर से। तो कितने तरह के पत्थर आपने यूज़ किए? 8-10 प्रकार के हैं। 8-10 तरह। तो वो ज़्यादा डालने से आपका मतलब 5 केजी आप अर्न करने आ रहे हैं? टारगेट आपका 5? हाँ, 5 केजी का है। 5 केजी का, ठीक है। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे 5 केजी कैसे अर्न कर? 100% देंगे। करके दिखाएंगे? हाँ, करके दिखाएंगे। ओके, चलिए, तो इनका नाम नोट कर लीजिए, जो करके दिखाएंगे तो इनको हमारी तरफ से आपको अवार्ड हम देंगे। ओके ओके, ठीक है। ओके, धन्यवाद।